तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आ चुके हैं हमारे टेरेस गार्डन पे। अब काम शुरू करेंगे। बज रही है 5:40। 10 मिनट के और वॉक करने के बाद मैं काम शुरू करूँगी। और ये है मेरा टेरेस गार्डन। तो क्या, बस और क्या काम शुरू करेंगे, आपके साथ में सभी ही करेंगे शेयर। और फटाफट से एक वॉक करने के बाद क्विक ओवरव्यू दे दूँगा वो मेरे पूरे टेरेस गार्डन का। और आज डे है संडे, तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा काम करने की भी मैं कोशिश करूँगी। कल नहीं कर पाई, कल क्या रीज़न था, कल पता नहीं कहाँ बिजी हो गई थी, तो कुछ ज़्यादा कुछ खास एक्स्ट्रा कर नहीं पाई। तो आज कुछ करूँगी तो आपको बताएंगे। तो चलो ठीक है, इसी वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये टेरेस गार्डन की वीडियो ब्लॉग जो कह लो अच्छा लगे। तो शुरू करते हैं। और ये कहना तो भूल ही गई, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है पता है। तो देखो, आपके मेरे टेरेस गार्डन का एक बार को क्विक ओवरव्यू देती हूँ। और मैं साथ के साथ ये भी देखती रहूँगी कि कल बहुत आंधी तूफान आए, बारिश तो नहीं आई, आंधी तूफान बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कुछ नुकसान तो नहीं है, वो भी देखते रहेंगे साथ ही साथ। ये है हमारे पर्पल हार्ट जो ऊपर रखे हुए हैं, इनके नीचे मैंने ये इसलिए रख रखी है क्योंकि बिल्कुल धूप में रखे हुए हैं, देखो यहाँ ऐसे, और पानी बहुत जल्दी सूख जाता है इसलिए ये रखा है इनके नीचे मैंने। इनको तो कहता खास पानी की ज़रूरत नहीं होती 9 o'clock को, इसलिए इतने इनके नीचे नहीं रखा है। ये हमारी मधुबालती कितने अच्छे से ग्रो कर रही है, देखो मस्त बुशी हो रखी है। और यहाँ हमारे सदाबहार रखे हैं नीचे एक थैली के, इतना मैंने ग्रो कर रखे हैं। और बाकी यहाँ सारे मेरे बोगनविलियास और बोगनविलियास की कटिंग, ये सारी कटिंग्स मैंने नीचे लगा रखी है। देखो इसमें से एक कटिंग तो चल भी पड़ी है, बहुत अच्छे से चल पड़ी है, तो उसका भी कुछ करेंगे। मोटी कटिंग्स लगाती हूँ जिससे कि मैं इसके बाद में वंजन बना पाऊँ बॉन्सई। ये मधुमालती बहुत अच्छे से चल रही है, देखो इसमें कितनी प्यारी ब्लूमिंग हो रही है, देखो दिख रहा है आपको ये। और ये ऊपर क्लाइम भी कर रही है। अब ये यूफोरबिया मिली अच्छा हो रहा है, यूफोरबिया मिली को कम पानी देना चाहिए। 9 o'clock और मॉस रोज मैंने यहाँ ला के रख दी। देखो मॉस रोज मैंने इस तरीके से नहीं, मिली बग उगते हैं 9 o'clock में, तो मैंने नहीं दिखे, मगर ये देखो इसमें 10 o'clock में उगते हैं। तो मैं यहाँ से इसकी पिंचिंग करके इस तरीके से ये जो मिली बग होते हैं ना, ये देखो वाइट वाइट, ये हटा देती हूँ। देखो ये दिख रहा है आपको इस तरीके से, इधर भी उग रहा है। तो ये मॉस रोज में ज़्यादा उगता है, मिली बग में मॉस रोज में ज़्यादा उगते हैं, मिली बग उसमें नहीं उगते, किसमें 9 o'clock में। तो बस आगे चलें तो इस तरीके से ये आ जाते हैं। देखो यूफोरबिया मिली, इसमें इतने छोटे छोटे फूल कितने बहुत प्यारे लगते हैं, इतने छोटू छोटे से फूल। अब ये सारी यूफोरबिया मिली हैं, ये सारे अलग अलग तरीके की यूफोरबिया मिली, किसी में बड़े फूल खिलते हैं, किसी में छोटे फूल खिलते हैं। और इधर तो ये मोगरा तो बहुत ही प्यारा खिल रहा है, कितने सारे फूल खिल रहे हैं, देखो फूल ही फूल, फूल ही फूल, फूल ही फूल, फूल ही फूल और के सब जगह। और अब आगे बढ़ते हैं, आलमंडा की बेल है ये वाली दोनों तरह की आलमंडा है। अब नाचंगपा में ये जो स्टॉक है ना, ये बड़ा हो रहा है, देखो उसमें फूल खिलने वाले हैं। अब कौन से कलर के क्या खिलेंगे वो आपको पता चल जाएगा। नाचंगपा की एक और बात बताऊँगी, इसकी मैंने कटिंग्स लगाई थी ना, वो भी ग्रो कर गई है यार, वो भी आपके साथ में करते हैं शेयर, अभी शेयर करूँगी बताऊँगी। इसमें वीड्स उग रहे हैं, ये सारे वीड्स निकालने मेरे को, ये वाले देखो इस तरीके से, अभी तो नहीं निकाली, थोड़ी सी देर बाद निकालूंगी। और इसमें येलो वाला वो खिल रहा है मॉस रोज, तो उसकी मैं कटें इसको मैं और किसी में शिफ्ट कर दूँगी। देखो ऑरेंज का लगा ये मॉस रोज, तो एक काम करती हूँ उसको भी ले जाऊँ क्या, छोटा पौधा छोटा प्लांटर मेरे पास होगा जरूर से, तो इसको ले लेती हूँ मैं। इसमें येलो और ऑरेंज, पिछली बार मैंने क्या मल्चिंग की थी ना, तो ये अब मुझे याद भी नहीं। और नाइन ये मॉस रोज फिर बाद में क्या लेगी हो जाते हैं, तो मैं निकाल देती हूँ। तो इस तरह से मॉस रोज मैंने निकाल लिया है इसमें से, और निकाल रही हूँ अच्छे से रुको। तो ये येलो कलर वाला है, ग्रो कराना था पता चला है कि येलो कलर वाला है, ये देखो इस तरीके से। तो इसको किसी में हैंग कर देंगे, बहुत ही प्यारा लगेगा अभी। तो सबसे पहले अंदर जाके इसका काम करूँगी मैं। अब चलते हैं आगे, आगे ये सब बढ़िया चल रहे हैं, ये सब बढ़िया चल रहे हैं, ये सब बढ़िया चल रहे हैं। ये हमारा सारा कंपोस्टिंग का जो काम चलता है वो इधर, ये मेरे इंडोर, ये अब अंदर घुसते हैं। मोगरा में देखो कितनी प्यारी प्यारी नए नए शूट्स आ रहे हैं, प्रूनिंग करोगे तो मोगरा ना अच्छा खना हो जाएगा। देखो इसमें भी सारे ही मोगरा टचवुड अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे से मतलब वो रखी है इनमें फ्लावरिंग। इसमें अब नए नए शूट्स आ रहे हैं, एक बार फ्लावरिंग होकर ख़त्म हो गई और शूट्स देखो नए नए आ रहे हैं, ये देखो सारे ग्रीन ग्रीन नए नए शूट्स आ रहे हैं। पिंचिंग करते रहो, पिंचिंग क्या प्रूनिंग करते रहो मोगरा की बार बार। और देखो आ चुके हैं अंदर, कुछ कुछ काम शुरू करेंगे, उससे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ फटाफट से। ये देखो कल शाम को अच्छे से पानी वानी देने गई थी, और पानी वानी देने में एक घंटा लग जाना, तो दूसरे वीडियो को नहीं बना पाते। पानी वानी देना, फिर शाम को क्लासेस, फिर खाना, उन सब के कारण क्या अब एक ही वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा मैसी रहता है काम। तो चलो ठीक है, और अंधेरा भी रहता है, और तो बस क्या कहें, ये सारा सब अच्छे चल रहे हैं, मनी प्लांट अच्छे चल रहा है, फंड अच्छे चल रहे हैं। फंड को भी मुझे रिपोर्ट कर मतलब मल्टीप्लाई करना है, करेंगे यार धीरे धीरे। ये बेबी डियर देखो कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है, छोटे से उसमें ये बेबी डियर कितना प्यारा लग रहा है। देखो उस बेबी डियर में ना कुछ और भी उग रहा है,
ये देखो इसको भी निकालेंगे, इसमें पर्पल कलर के फ्लावर खिलते हैं। तो इस तरीके से बेबी डियर की कटिंग बहुत इजीली ग्रो कर जाती है। तो ये सारे पौधे ऐसे 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 ऐसे, ये बेबी डियर है इसमें भी लगा रखा मैंने, ये सारे इस तरीके से ऐसे हो जाते हैं, ये यहाँ हो जाते हैं। और देखो इस वाले में रोज़ कितना प्यारा खिल रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। तो जैसे कि बरसात का सीज़न वगैरह लगा हुआ है ना, थोड़ा मौसम ऐसा अच्छा से हो रहा है, तो रोज़ वगैरह भी अच्छे से खिल रहे हैं ये। और इसमें तो रोज़ फूल खिलता है, रोज़ एक्सपेंड जाता है, बस साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया इसका। ये बेगम बाहर पर एक छोटू सा फूल खिला, देखो छोटू सा। और तो क्या, बस हाँ एक और चीज़ आपको बता रही थी मैं, कल वो पीपल आई थी ना आंटी ने किया था 10 का, उसका मैंने क्या किया देखो, उसको मैंने इस तरीके से कलर कर लिया सारा। उसका शॉर्ट्स देख लेना आप, शॉर्ट्स बनाए इस तरीके से मैंने ये कलर कर दिया, ऊपर ब्लैक कलर कर दिया। और सबसे पहले मैंने इस पर प्राइमर का कोट किया, प्राइमर के कोट के बाद में ये हल्का फुल्का नॉर्मल सीनरी बना दी, और उसके ऊपर मेरा ये वंडरिंग जू ला के रख दिया। वंडरिंग जू नहीं है तो प्लांटर मेन, इसका किसका रोज़ का, देखो दिखाती हूँ। और रोज़ पेंट भी हो गया, उसकी कटिंग भी करनी है, भी कर दूँगी। ये वाइट रोज़ का है, मगर इसमें ना पूरे में ना पूरे इस प्लांटर को कवर कर लिया है मेरे वंडरिंग जू ने, तो अच्छा भी लग रहा है। देखो नीचे नीचे रोज़ ऊपर ग्रो करता रहेगा, वंडरिंग जू नीचे नीचे ग्रो करता रहेगा, और कितना ही कूल लग रहा है देखो, अच्छा सा। और जब रोज़ का सीज़न आएगा ना तब देखा जाएगा क्या करना है, अभी तो इसमें ही चलते रहने देंगे। और ये इस तरीके से फॉलो होगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। इस तरीके से ये एक स्टैंड का काम भी कर रहा है, हाइट भी ज़्यादा हो गई। पहले जहाँ रखा हुआ था ना वहाँ ना ये नीचे ज़मीन पे ऐसा ग्रो कर रहा था, इसलिए फिर मेरे को उसको हाइट के लिए इसके ऊपर रख दिया। ये देखो अभी फॉलो का पूरे प्लांट को पूरे इसको स्टैंड को कवर कर लेगा ना, बहुत ही प्यारा लगेगा फिर। और ये डिब्बा बहुत दिनों से ऐसे छत पर घूम रहा था, तो मैंने बोला कुछ ना कुछ इसका बनाते हैं, चलो तो ये बनाया। अब देखो अब आगे बढ़ते हैं, बढ़िया चल रहा है यहाँ, सब बढ़िया चल रहा है और यहाँ सब बढ़िया चल रहा है। और एक और चीज़ आपको बता रही थी नागचंपा की, कुछ कुछ कटिंग्स मेरी ग्रो कर गई, दिखाती हूँ। देखो कनेर की इस तरीके से मैंने वो की थी ना प्रूनिंग, तो एक जगह से आप प्रूनिंग करते हो तो दो जगह से नई शूट्स खिलती है, पूरे फ्लावर वगैरह सब खिल गए थे उसके बाद की थी। तो इस तरीके से हर पौधे की प्रूनिंग आपको करते रहने चाहिए, कुछ कुछ नहीं, कुछ कुछ पौधों की नहीं होती, बाकी सारे ही पौधे की आप प्रूनिंग करोगे ना बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। देखो इसमें रेड फूल कितना प्यारा खिल रहा है, और इधर ले लेंगे पिंक कितना प्यारा खिल रहा है, इसमें रेड कितना प्यारा खिल रहा हो। अभी साइज़ के छोटे जाते हैं गुलाब से, अभी सीज़न नहीं है ना, गर्मी का सीज़न है इसलिए। और हाँ चंपा में देखो कटिंग ग्रो कर गई, थोड़ी सी तसली से बैठ जाती है, फिर आपको बताती हूँ। तो यहाँ ले आए भाई इनको, देखो ये देखो, मुझे लगा था अभी बारिश में क्या हो रहा है पानी वानी ज़्यादा लग रहा है तो उसकी कटिंग लेट ग्रो करेगी, मगर ये चल गई है। और ये नॉर्मल रेड वाला चंपा आता है ना, वो वाला चंपा है, तो उसकी कटिंग देखो कितने अच्छे से चल पड़ी है। और मैंने एक और लगाया था इसी के साथ, एक और लगाया था इसमें, ये देखो ये कटिंग भी मेरी चल पड़ी है, आपको दिख रहा है। इसमें बीट्स वगैरह वो निकालूंगी अभी, ऐसे देखो दो दो शूट्स आ रहे हैं, इवन इसमें भी आ रहा है, ये जो नीचे लगाना है इसमें भी आ रहा है, इसमें भी दोनों में ही आ रहा है। तो चारों कटिंग मेरी सक्सेस हो गई है। और क्या हुआ था, मैंने चार ही कटिंग लगाई थी आपके साथ में शेयर की थी, और कहाँ से लगाई थी वो भी आपको बताऊँगी। तो इस तरीके से चंपा की कटिंग ईजिली ग्रो कर जाती है। देखो रेड चंपा मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, हाइब्रिड नहीं नॉन हाइब्रिड भी, वो थोड़ा मुश्किल से चलता है, मगर ये भी चल पड़ा है। वाइट तो बहुत हार्डी प्लांट होता है, वाइट जल्दी से चल जाता है। इस रेड वाले में क्या होता है, थोड़ा सा वो रहता है, इसके कटिंग गलने के चांसेस रहते हैं, मगर मेरा तो ये ग्रो करके चारों ही कटिंग टच अच्छे से चली है। देखो इधर और ये इधर, इस कटिंग को वापस यहाँ रख दी मैंने, और इसको मैंने रख दी यहाँ पर हिलाना नहीं चाहिए। अभी वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको आपको बताया बाकी इसको बार कटिंग्स को क्या हिलाना नहीं चाहिए, इधर रख देते हैं। और ये वाली कटिंग्स कौन सी है मैं आपको बताऊँ, ये इसमें से ली थी मैंने, दिख रहा है आपको इसमें से ली थी, ये हाइब्रिड वाला ये, इसमें वेलवेटी वेलवेटी रेड कलर के बहुत ही प्यारे फूल खिलते हैं। मेरी वीडियो देख लेना, मैं कोटा से लाई थी अभी कितने 20-25 दिन हो गए होंगे, हाँ तो इसकी कटिंग मैंने उसी समय ला के इस इन दो में लगाई थी। ये दो कटिंग्स है ना इसी की है, इस वाले की, इसकी देखो ये तो अपने नर्सरी के प्लांटर में ही रखा हुआ है अभी भी, तो इसकी कटिंग भी अब देखो कैसे क्या चलती है। अभी तो मैंने लगा दिया है, तो उसी समय ला के मैंने एक से दो प्लांटर बनाया, बस मेरे पास क्या प्लांटर बड़े नहीं हो पा रहे, बड़े प्लांटर में शिफ्ट करना है, वो देखती हूँ। बड़े प्लांटर में को चाहिए इनके लिए, एक ये जो बोगनविलिया है ना इनके लिए लाएंगे, करेंगे धीरे धीरे वो भी काम करेंगे, इसलिए मैंने इसको भी इसी में रहने दिए। बाकी सब यहाँ बढ़िया चल रहा है, रेन लीली रोज खिल रहे हैं, ये सब बढ़िया चल रहे हैं, अडेनियम बढ़िया चल रहे हैं। तो ये अडेनियम फूल देखो कितने प्यारा है, इसकी मैंने प्रूनिंग की थी और वीडियो आपके साथ में शेयर की थी। और प्रूनिंग करने के बाद जब ये बहुत बड़ा कोडेक्स होता है, और पीछे भी बहुत बड़ा है, ये अभी दिखा नहीं पा रही नहीं तो मेरा ओवन नीचे गिर जाएगा। और फिर इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी, बहुत लंबी लंबी ब्रांचेस हो गई थी, लंबी लंबी मतलब दो दो फुट इसकी ऐसे ऊपर ऊपर, दो दो फुट तो नहीं, हाँ दो फुट ही जारी होगी आराम से, सब काट दी। और सारी वीडियो आपके साथ में शेयर की थी, फिर मैंने इसको लगाया, इसमें से एक मेरा ख़राब हो गया यार, उसको
भी फिर मैंने ग्रो किया है, कैसे क्या होता है आपको बताऊँगी। तो और उसके बाद जब कटिंग हुई ना, उसके बाद देखो उसमें फ्लावरिंग कितनी अच्छी है, बर्ड्स देखो आप उसमें कितने प्यारे आ रहे हैं। इस वाले में शुरू नहीं हुई है, हो जाएगी। और ये नॉन हाइब्रिड है, देसी वाले हैं, मगर इसके फ्लावर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। देखो इस तरीके से जब ये कोडेक्स बड़ा होता है, ऊपर छोटू सा एक उसमें पंच में फूल खिलता है ना, इस तरीके से बहुत ही प्यारा लगता है यार। और ये तीनों मैंने हाइब्रिड लगा दिए थे, ये क्या बोलते हैं इसको, वो ये एडेनियम लगा दिए मैंने इस तरीके से। देखो इसमें तो देखो इस तरह से है, तो ये वाले एडेनियम मैंने लगा दिए। कल रात को मैं आई थी ना, ये भी मैंने सेट किया, ये जो मेरा ये वाला है ना, इसको मैंने यहाँ रख दिया। वो जो मैंने अभी मेरे डीआर पे बताया था ना आपको, वंडरिंग जू, वो यहाँ से उठाया था, यहाँ से। यहाँ भी मुझे अभी क्लीनिंग करनी है तो करेंगे। वो यहाँ घुस के रखा था और नीचे नीचे वो कर रहा था ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए। और ये ही ये भी ये वहाँ था तो फॉल हो रहा था, तो पता नहीं चल रहा था, इसलिए इसको मैं यहाँ ले आई हूँ इस तरफ से। तो देखो जल्दी जल्दी काम करते हैं। कुछ एक मैंने काम अलग से किए, आपको बता देती हूँ। कुछ एक मैंने ये जो मेरी हैंगिंग थे ना, वो यहाँ ला के लगा दिए तीन, और बाकी बचे हुए हैंगिंग मैंने यहाँ ला के लगा दी। देखो इस तरीके से एक हैंगिंग में से ना एक कटिंग मेरी गल गई थी, किसी इसकी बारिश वारिश ज़्यादा हुई ना इसलिए। तो इसमें मैं अपनी ना वो मेरे वो जो 10 o'clock लेके गई हूँ ना, वो ग्रो करूँगी। और बाकी ये सब इसमें अच्छे चल रहे हैं। देखो इसमें मैंने बड़े वाले भी लगा रखी कटिंग बेबी टी एस, उसमें छोटे वाले भी, और नीचे पर्पल हार्ट की कटिंग भी इसमें, इसकी 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 इस छोटे छोटे से प्लांट्स में अच्छी ग्रो कर जाती है, वो ले आऊँगी। और बीच में जो खाली है ना, उसमें ये लगा दूँगी इसकी कटिंग। देखो इधर मैंने ना बीच में तो वो लगा दी वंडरिंग जो जो इधर लगी हुई थी, अब है ना इसमें जो लगाऊंगी ना, वो अभी हाल फिलहाल तो है ना इसमें लगा दूंगी। यहाँ भी धूप अच्छे से आती है। नहीं एक काम और करती हूँ, देखो ये यहाँ लगा देती हूँ, क्रिपर चाली यहाँ लगा देते हैं, और यहाँ ये लगा देंगे ना, तो यहाँ दिन भर की धूप बनी रहेगी, तो फिर अच्छे से करेगी। इसमें अभी 10 o'clock की कटिंग मुझे लगानी है। इस तरीके से एक तो पर्पल हार्ट मैंने यहाँ ला के भी रख दी है, कहीं ऐसी जगह रखे हुए थे चाहे इनको वो मिलता ही नहीं है क्या, ना धूप मिल रही थी ना पानी वानी दे पा रही थी ढंग से। एक और पर्पल हार्ट मैंने यहाँ ला के रख दिया। देखो इस तरीके से फूल कितने प्यारे खिलते गए, देखो कोने में घुसे हुए थे, तो मेरे को लगा यहाँ ले आती हूँ, थोड़ा सामने दिख जाएंगे, इसलिए पौधे हमेशा ऐसी जगह लगाऊँ जहाँ दिखे सामने। नहीं दिखते ना फिर हम इसको केयर करना छोड़ देते हैं। इस तरीके से यहाँ सब बढ़िया चल रहा है। ये मैंने यहाँ ला के रख दिया क्या बॉन्साई यहाँ, और उसकी जगह मैंने वो टिन का जो डीआईवाई बनाया था वो वाला प्लांट ला के रख दिया यहाँ। इस तरीके से उसको मैंने यहाँ पर किया, जहाँ ही पहले रखा हुआ था ना वहाँ धूप नहीं मिल रही थी, अभी इसे धूप में अच्छे से शिफ्ट कर दिया, तो धूप में अच्छे से ग्रो करेगा। बाकी ये सब हमारे इस तरीके से हो जाते हैं, इस तरीके से रहते हैं नीचे। ये हमारे ये फटाफट बनाती हूँ वीडियो, नहीं तो फिर अगेन मेरी वीडियो रह जाएगी। और ये कल से चल रहा है काम। और इस तरीके से हमारी ये मटकी, और ये येलो वाले रेन लिली खिल रहे हैं, पिंक वाले रेन लिली, ऐसा लग रहा है इसको बारिश का बिल्कुल सीजन लग गया। और कैलेडियम के मैंने बल्ब ग्रो किए थे ना, वो भी ग्रो कर गए। देखो इसमें दिखाती हूँ आपको, देखो इस तरीके से कैलेडियम के सारे ही मेरे लग चुके हैं इसमें भी। और तो क्या, बस ये सारा अच्छे से चल रहा है। रबर प्लांट अच्छे से चल रहा है, यहाँ हमारे सारे ये अच्छे से चल रहे हैं पौधे। क्रीपर चाली देखो सारे अच्छे से चल रहे हैं, ये सारे बीड्स वगैरह ना हटाते रहना चाहिए। क्रीपर चाली मैंने अभी लगाए थे और सारे ही अच्छे चल रहे हैं। मेरे पास पहले चल नहीं रहे थे, फिर मैंने इसकी कटिंग्स इधर उधर इधर उधर इधर उधर लगाई, जब जाके चलना स्टार्ट किए। और ये क्रीपर चाली के हैंगिंग बास्केट में बहुत प्यारे लगते हैं, इसलिए मैं इस तरीके से बास्केट में लगाया। इसकी ऑनलाइन स्टेप वगैरह मंगा लेंगे ना ऐसे लटकाने वाली, तो ये बहुत ही प्यारे लगेंगे। और उसका कलर कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, देखो मैंने इस तरीके से रखा, और ऊपर से ग्रीन फॉल होते हुए बहुत ही प्यारे लगेंगे। और चार को एक साथ लगाओ ना तो बहुत प्यारे लगेंगे, इसलिए मैंने इनको इस तरीके से ऐसे रख रखा है। देखो ऐसे कि सब हमारे कैक्टस वैक्टस सब बढ़िया चल रहे हैं, नई नई शूट्स आ रही, नए नए ग्रोथ कर रहे हैं पौधे, और कुछ ख़राब नहीं हुआ। आंधी तूफान आए थे ना उससे, अब जो भी हल्के फुल्के पौधे थे ना वो मैंने सारे हटा दिए थे, गिरने वाले इधर उधर सबको इधर उधर शिफ्ट कर दिया था। सब बढ़िया चल रहा है। हमारी दो बनाई हुई टोपियारी भी अच्छी चल रही है, देखो दो टोपियारी बनाई ना वो भी अच्छी ग्रो कर रही है। चलो ठीक है, अब इसका काम कर देती हूँ, नहीं इससे भी पहले मेरे को इसका काम करना है। 10 o'clock हवाएं देखो कितनी प्यारी हवाएं चल रही, मस्त हवा चल रही। अरे हाँ चंपा होगा था ना, उसकी कटिंग मैंने किस में से लगाई थी वो आपको बतानी थी, भूल जाती नहीं जब। देखो उसकी कटिंग मैंने ली थी इसमें से, ऊपर देखो नए नए शूट्स आने लग गए। जो मेरे व्यूअर्स देखते हैं उसको पता है नीचे से भी कटिंग की थी। देखो हाय हो देखो दिख रहा ये यहाँ नीचे से, तो नीचे से भी आने लग गए इसमें से शूट्स आने लग गए, और ऊपर से भी आने लग गए, वो भी ग्रो हो गई और ये भी ग्रो हो गए। तो देखो सबसे पहले तो इसकी कटिंग लगा देते हैं ऐसे, तो ऐसा नहीं कि कटिंग हमेशा पूरी की पूरी सक्सेसफुल ही रहती है। देखो जैसे मेरी वो कटिंग नहीं चली थी, कौन सी ये वाली, इसमें मैंने क्या लगाया था, क्या लगाया था इसमें, क्या लगा हुआ था इसमें, सन बेबी सन रोज़, तो ये बारिश बारिश आई ना उसमें इसकी कटिंग्स गल गई यार,
अब ये देखो इस तरह से, वैसे तो ये कैसे भी लग जाता है, इतनी सी भी कटिंग लोगे ना कट करके लगाओगे ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, मगर मेरे पास तो ये पूरा ही निकल गया इसलिए मैं पूरा ही लगा रही हूँ। बाकी इसकी छोटी सी छोटी कटिंग में मिल जाए ना ये इतना फैल जाता है बिल्कुल, और बहुत ही प्यारे इसमें होती है फ्लावरिंग। तो इसमें है ऑरेंज या येलो कलर, ये तो मुझे दिख रहा है, और ये तो ऑरेंज है ये तो येलो है। तो जैसे इस तरीके से मैं इसको ऐसे रख रही हूँ और ऊपर से इसमें मिट्टी डाल दूँगी, ये देखो ऐसे बस। इसको आप कैसे भी मिट्टी में कुछ भी करो, कैसे भी डालो, डायरेक्ट धूप में भी रख दोगे ना तो भी ये ग्रो कर जाएगी। अभी जैसे मैंने इसकी मॉस रोज की कटिंग लगा दी, और फ्लावरिंग तो आप इसको देख लेना कि कितनी प्यारी होती है। इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग लगा दी और इसमें थोड़ा सा पानी भर दूंगी, और पानी भरने के बाद इसको धूप में रख दूंगी ना तो भी इसमें फूल खिलने लग जाएंगे। फूल खिलते हैं सुबह सुबह, और वो मैं बता ही नहीं पाती हूँ आपको, सुबह सुबह फिर क्लासेस का टाइम हो जाता है और तो क्या, और अभी तो धूप नहीं आ रही है ना तो पता नहीं फूल खिलेंगे कि नहीं खिलेंगे, मौसम ऐसा हो रखा है बादल बादल, एकदम तेज़ धूप आती है ना तब इसमें जाके फ्लावरिंग होती है। देखो इस तरीके से मॉस रोज़ या मॉस रोज़ 10 o'clock कुछ भी कह लो इसको, और आप सर्च करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा बहुत सारे इसमें आते हैं शेड्स। बस अब इसमें पानी डाल देती हूँ, इसको हैंग कर देती हूँ मैं। तो देखो कटिंग तो लगा गया, मैंने सोचा एक और इसमें कटिंग ऐड कर दी जाए। ये कौन सा, ये पिंक वाला है इसमें, तो ये पिंक वालों की कटिंग ले लेती हूँ थोड़ी सी मैं ऐसे और ऐसे, और उसमें लगा देंगे तो दो शेड आएंगे, पिंक और येलो, अच्छा लगेगा। तो बस अब इसमें ये कटिंग भी लगा देती हूँ ऐसे, बहुत ही सिंपल इसकी कटिंग को लगाना, बस इस तरीके से गाड़ दूंगे ना ये, और इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है, ऐसा नहीं कि इसकी रूट्स आनी चाहिए कुछ, बिना रूट्स के भी ये फ्लावरिंग देना शुरू कर देता है। तो इसको हैंग करती हूँ मैं कहीं, और धूप में हैंग करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि कहाँ हैंग करूँगी इसको, यहाँ हैंग कर देती हूँ इसमें। मोबाइल रखना पड़ेगा यार, कि हैंग करते हैं इसको जब तक, यहाँ हैंग कर देते थे, यहाँ हैंग कर दिया, फुल धूप आएगी अच्छे से ग्रो करेगा। अब इस काम पे आ रहते हैं, ले आते हैं हमारे तीनों गमले जो कल तैयार किए थे। एक देखो इस तरीके से मैं ले आई, और इन तीनों की होल को बंद करने के लिए एक एक मैंने लगा दिया थर्माकोल का ये इस तरीके से पीस। अभी वापस बारिश आ गई, देखो बादल कैसे काले काले हो रखे हैं, आ सकती है बारिश का इस साल तो कुछ भरोसा ही नहीं पड़ रहा है, कभी भी आती है। और ये ले लेते हैं, इससे भरते हैं इसमें मिट्टी। तो देखो ये बड़ी वाली कटिंग का मुझे अभी भी कुछ नहीं पता चल रहा है कि क्या करना है, कैसे तोड़ूँ उसको, उसका भी कुछ कुछ सोचेंगे। जब तक ये छोटी वाली है ना, इनके मुझे बनाए ना बॉन्साई, इसीलिए मैंने ये एक बार ये ग्रो कर लेंगी ना उसके बाद फिर मैं से ना देखो क्या करती हूँ आपको बताऊँगी, सब आपको के साथ में शेयर करूँगी। अभी तो जस्ट इसकी कटिंग लगा रही हूँ, और ये कैसे कहाँ से क्या मंगाई वो आपको सब पता है, मैंने आपको बता दी थी उस दिन वीडियो में। अरे भाई पानी आया ना तो सारी मिट्टी गीली गीली हो गई है इस तरीके से, और ड्रेनेज होल बंद करने के लिए हमेशा इस तरीके से कुछ भी लगाया है, तो वो क्ले के टुकड़े होते हैं वो लगाएं, या तो कोई कपड़ा बिछा दें, या जैसे मैं थर्माकोल का ये रखती हूँ वो लगा दें, कुछ भी लगाएं, मगर ड्रेनेज होल इस तरीके से पैक होना चाहिए, पूरा पैक भी नहीं होना चाहिए, ऊपर से ऐसा कि इसमें ना पानी निकलता रहे नीचे से, एक्स्ट्रा पानी, ऐसा नहीं हो जाए चिपक जाए बिल्कुल, होल से चिपक जाएगा तो भी गड़बड़ जाएगी। हवाएं चल रही है यार, मस्त हवाएं चल रही है, यहाँ से वहाँ तक हवा 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 हवा, बस हवा हवा हवा, कुछ नहीं, मस्त चल रही है। चलो ठीक है काम करते हैं, भर रही हूँ मैं इसको आधा आधा इसी पॉटिंग मिक्स से, फिर मैं आपको बताऊँगी क्या करूँगी। और ये जो अभी मौसम चल रहा है ना यार, इतना मस्त मौसम है, देखो मैंने दो कटिंग अलग निकाली है, वो क्यों निकाली है आपको बताऊँगी, अभी ये अलग निकाल के रखी है। ये जो अभी मौसम चल रहा है इतना मस्त मौसम हो रखा है कि इसमें आप कुछ भी ग्रो करोगे ना सब ग्रो कर जाएगा। तो देखो इतना बड़ा है ये मेरा, दिख रहा है आपको ये इतना, और भैया से मंगाया था, कैसे क्या मंगाया था ये सब देख लेना वीडियो में दिख जाएगी। और उसको मैंने हफ्ते भर के लिए पानी में डिप करके रखा इस कटिंग को, अब मैं इसको ऐसे लगाऊंगी और अरे भैया, और इस तरीके से दबा दबा के ये कटिंगें लगा दूंगी। दो छोटी मैंने निकाल दी है, वो क्यों निकाली है बताती हूँ आपको। तो जितनी कटिंग भी लग जाएगी ना, बोगनविलिया की मोटी से मोटी कटिंग लग जाती है, अब लगाओ तो टाइम लेती है, मगर जब फिर उसका बॉन्साई बहुत इजीली बन जाता है, इसीलिए मोटी से मोटी कटिंग मैं लगाते हो ना। मैंने एक कटिंग लगा रखी है, सिर्फ एक कटिंग इतनी सी भी लगा रखी है, इतनी सी और इतनी मोटी कटिंग लगा रखी है, वो भी देखना उसकी ग्रोथ भी मैं आपको बताऊँगी। मौसम इतना अच्छा, अगर ये
बहुत वैसा वाला मौसम होता ना तो शायद ग्रो ना करती, मगर इस मौसम में कटिंग बहुत ईजीली ग्रो कर जाएगी, इसलिए इस मौसम का ये जो है ना फ़ायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि ये मौसम हमेशा नहीं रहता ऐसा। इस बार ही हुआ पहली बार कि पूरा साल ही बारिश रही, एक तरह से भी कह लो। बस इस तरीके से मैं कटेंगे लगा दूँगी, और जो कटेंगे बची के उनका क्या करूँगी आपको बताऊँगी। तो मोबाइल रखते हैं और काम में लगते हैं, क्योंकि स्पीड स्लो रहती है यार। तो इस वाले में तो मैंने कटिंग लगा दी। बस ये क्या बड़ी कटिंग होती है ना, आपको अच्छे से दबानी चाहिए इसकी कटिंग को, अच्छे से प्रेस करनी चाहिए। इसमें और मिट्टी भरनी भी भरूँगी इस तरीके से, तो ऐसे अच्छे से दबा के हिल ना जाए, मतलब भारी है ना इसीलिए। अब इसमें मैंने दो कटिंगे लगा दी है, आई डोंट नो वो एक ही उसमें सेम फ्लावर है कि अलग फ्लावर है मुझे नहीं पता, मगर मैंने इसमें दो कटिंगे लगा दी है। वो कैसे क्या ग्रो करेगी वो भी देखना आप। तो चलो ठीक है, इसको इस तरीके से तो दो दो कटिंग भी लगा सकते हैं, और जब वो बॉन्साई बनेगा कुछ अलग ही बनेगा यार। देखो इस तरीके से बीच में से ऐसे डिज़ाइन दिखेगी ये, इसलिए। और ये हमारे बस के काम होती नहीं है, ये मतलब इसको काटना करना। और ये पौधे पता नहीं कहाँ से लाए होंगे भैया, कहाँ से, बस मैंने बोल दिया था कि बोगनवेलिया की मोटी मोटी कटिंग्स चाहिए मुझे। तो अब देखो चलो ठीक है, कैसे क्या करते हैं, कैसे ग्रो करेगा, वो सारे आपके साथ में शेयर करें। बहुत हार्ड ही कटिंग है, लो हार्ड ही क्या, बहुत इजीली उग जाती है यार ये कटिंग, बहुत ही। मेरे तो सारे जितने भी बोगनवेलिया से सब कटिंग के थ्रू लगे, पतली से पतली मोटी से मोटी कटिंग ग्रो कर जाएगी। तो देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, घर में बच्चों के 640 साथ ही साथ को बता रही हूँ इसके इसमें ड्रेनेज होल के। देखो ये आपको दिख नहीं रहोगे, मिट्टी से इस तरीके से पैक होकर कैसे दिखाऊँ, यहाँ रखते हैं और इसमें होल करके बताते। देखो ये एक, ये दो, ये तीन, चार, ये पांच, इसमें पांच मोटे ड्रेनेज होल है। देखो इस तरीके से ऐसे छोटे बड़े भी नहीं है, ये भगवान कहाँ रखो यहाँ। अब इसको मैं पैक करती हूँ ड्रेनेज होल को सबसे पहले। तो इस तरीके से देखो इसके ड्रेनेज होल अभी आपको मिट्टी में नहीं दिख रहे हैं, मैं भी जैसे वो तो बहुत बड़े बड़े हैं। इसको इस तरीके से ऐसे कवर कर देती हूँ, चारों पांच है इसमें ड्रेनेज होल, इसको पांचों को कवर कर देते हैं। एक लाना भूल गई क्या, ऐसे। अब उसमें पॉटिंग मिक्स भरते हैं, और ये दो छोटी मैंने कटिंग्स रखी है ना, दो बड़ी को तो मैंने अभी भी रख दिया यार, उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, किसे तोड़वाऊँ, कोई आए तो तोड़वाऊँ। बाकी ये वाली है ना दो छोटी बची हुई है, दो एक इसमें लगा दी, दो इसमें लगा दी, अब ये जो दो छोटी कटिंग है ना वो भी इसमें लगाऊंगी। ये बहुत है ना हार्डी प्लांट है, इसको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, ना फर्टिलाइज़र चाहिए, ना कुछ चाहिए। इसके बॉन्साई को भी कुछ ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैंने को। और ये लगते ही बहुत प्यारे हैं यार, इस तरीके से मुझे मोबाइल रखना पड़ेगा, दोनों ही कटिंग इसमें लगाऊंगी। तो देखो इस तरीके से मैंने कटिंग लगा दी, अभी इसको मैं और मिट्टी से भरना है। अब वो कटिंग ना स्टैंड ही नहीं करती है ना, और आपको बताने के लिए फिर मुझे इसको क्या बोलते हैं मोबाइल को रखना पड़ा। अब इसको मैं अच्छे से मिट्टी से भर दूँगी ऊपर, उसमें भी मैंने दो कटिंगें लगाई है। अगेन आई डोंट नो कि इसमें कौन सा फूल है क्या है, मुझे कलर नहीं पता है। तो चलो ठीक है, और क्या बोल रही थी, हाँ काम करते हैं भाई। अब इसके बाद मुझे जाना है नीचे, खाना वाना बनाना है, और आज पतिदेव को ड्यूटी जाना है, छुट्टी नहीं है उनकी, संडे है मगर ड्यूटी जाना है, इसीलिए फटाफट से ये काम करके जाती हूँ नीचे। फिर ये बिखेरा आके करूँगी बीच में जब टाइम मिलेगा ना, अभी आज तो खैर मेरी तो छुट्टी है, बीच में टाइम मिलेगा आके साफ़ सफाई यहाँ की कर दूँगी मैं बारिश आने से पहले, नहीं तो बहुत कीचड़ कादा फैल जाएगा, फिर मिट्टी ऐसी पड़ी रहेगी। तो बस इस तरह से बस कटिंग को आप अच्छे से प्रेस करके लगाते जाइए, दम लगा के इस तरीके से मिट्टी को ऐसे, जिससे वो कटिंग हिल ना पाए बिल्कुल भी। तो देखो इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग लगा दी है, और मैं बारिश जैसा मौसम हो रहा है, ये देखो कैसा मौसम हो रहा है, मस्त ऐसा लग रहा है बारिश आने वाली है। और अगर मैंने इसमें पानी डाल दिया ना तो और ये भर जाएगा सारा, तो इसीलिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ इस कटिंग को ऐसे ही, क्योंकि इस मिट्टी में बहुत मॉइस्चर है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है कितनी गीली मिट्टी हो रखी है। और ये काफ़ी टाइम से इसमें ही थी, किसमें, पानी में भी ग्रो हो रखी थी, तो अब इसको मैं बिल्कुल भी पानी नहीं दूंगी मौसम के देखते हुए, बहुत भयंकर मौसम हो रहा है। और ये भी नहीं उठा रही, पतिदेव का खाना वाना बनाना है, तो इसको छोड़ती हूँ मैं, वापस आऊँगी अभी,
और मे भी हुआ तो उसकी दूसरी वीडियो बना देंगे, मगर इस वाली वीडियो को तो मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इस तरीके से ग्रो कर जाएंगे और एक दो दिन बाद मैं इसे धूप में शिफ्ट कर दूँगी, फुल धूप में, जैसे वो वाली कटिंग से। बस इसमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए और अभी इसमें मैं पानी डाल के नहीं जा रही। मौसम में अगर धूप आ गई ना तो मतलब मौसम एकदम धूप वाला गया तो आके पानी डालूंगी, बाकी नहीं डालूंगी इसमें पानी, क्योंकि मिट्टी वैसे भी बहुत होगी है और ज़्यादा होगी तो कट, अगर इसमें मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया ऊपर से बारिश भी आ गई तो इसकी कटिंग क्या हिल जाएंगी, मतलब मूव कर जाएंगी। अभी है एकदम अच्छे से लगाई हुई है, टिकी हुई है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स आपको पता है कि क्या करना है। ओके बाय।